Good afternoon students and welcome to the Jagrati Learning Ape. Myself Banish uh, Sangla. and today I will take the English class. Okay? Especially ninth uh, class. Okay, there are so many topics of grammar in English. First of all, I will write the topics, uh, then I will start the topic. सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अपन एक टॉपिक लेकर उसमें से अपन वो टॉपिक क्लियर करेंगे ओके okay? तो देखिए अब टॉपिक कौन कौन से हैं आपके सिलेबस के अंदर और सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो टॉपिक है उस टॉपिक को अपन सबसे पहले ले रहे हैं वैसे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके टेंथ का सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी टॉपिक के हैं आपके ओके फोर मार्क्स का ये टॉपिक है इन टेंथ एंड इन एलेवेंथ एंड इट इज़ आल्सो यूजफुल इन कंपटीशन क्लासेस यह हर क्लास के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है तो इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मैनी ट आर देयर ओके दिस इज द मेन क्वेश्चन ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि कितने आपके टेंस होते हैं टेंस की जो टाइप्स होती है वो कितनी होती है हाउ मेनी टेंर देर तो वही एक सबसे पहला आपके जो है अपन उसी से ही स्टार्ट कर रहे हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट टाइप इज प्रजेंट टेंस द फर्स्ट वन इज Present tense. Okay. The second one is past tense. And the third one is future tense. These are the three types of tenses. First one is present tense. The second one is past tense. एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस सो ये टेंस की जो है वो टाइप्स है आपके एंड इस टेंस इज़ फोर पार्ट्स प्रजेंट इज़ फोर टाइप्स पास्ट इज़ फोर टाइप्स एंड फ्यूचर इज़ फोर टाइप्स हर एक की चार टाइप होती है इसके अंदर प्रेजेंट की भी चार टाइप होती है पास्ट की भी होती है और फ्यूचर की भी जो है वो फोर टाइप्स इसके अंदर होती है वैसे आपके जो एक्चुअल जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को आपके कहा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यह एक्चुअल टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है टेंस जो है वो टेंस सिलेबस के अंदर नहीं है टेंस के अंदर ही आपके पार्ट होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो यूज में लेनी है अकॉर्डिंग टू द टेंस टेंस के अकॉर्डिंग तो उसके लिए थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है वो आपको इसमें लेना ही पड़ेगा कि बेसिक्स इसके क्या होते हैं तो अब देखिए इसके अंदर ओके दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज ये टेंस की जो है वो तीन टाइप्स होती है एंड ईच टेंस हैज फोर टाइप्स प्रत्येक टेंस की जो है वो फोर टाइप्स होती है प्रेजेंट फोर टाइप्स पास्ट फोर टाइप्स एंड फ्यूचर हैज फोर टाइप्स ये सब की जो है वो फोर टाइप्स होती है मैं सिर्फ एक प्रेजेंट की टाइप लिख देता हूँ आप उसे इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे और वैसे इसकी एक सॉ ट्रिक है उससे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि ये जो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हैं जल्दी से आपके जो लर्न कैसे किए जाते हैं टेंसेस के जो नेम्स हैं उनको कैसे लर्न किया जाता है ये उस प्रोसेस में आपके लिए जो है वो यूज़फुल है चलिए मैं उसी से ही बता देता हूँ ताकि आपके ये सारा जो है वो क्लियर हो जाए देखिए कैसे आपको इसके अंदर जो है वो करना है इसमें मैं सारे नंबर लिख रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व दीज आर द टाइप्स ऑफ टेंसेज ये टेंसेज़ की जो है वो टाइप है देखिए फर्स्ट टू फोर जो होंगे ये टाइप होगी आपके प्रेजेंट की फर्स्ट टू फोर किसकी टाइप होगी प्रेजेंट की फिफ्ट टू एट जो होंगे वो होंगी आपके पास्ट की टाइप एंड देन नाइन टू ट्वेल्व टाइप ऑफ फ्यूचर गोट इट फर्स्ट टू फोर इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस देन फाइव टू एट इज द टाइप ऑफ पास्ट टेंस एंड देन नाइन टू ट्व इज़ द टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस तो ये आपके सामने जो है वो बारह टेंस का जो है वो एक फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ और वो भी आपको मैं नंबर से बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो लर्न किया जाता है आपसे कोई भी पूछ ले ओके एनी वन आस् यू अबाउट द नेम्स ऑफ टेंसेज आप किसी ने पूछ लिया कि टेंस नंबर थ्री का आप नेम बताइए टेंस नंबर सिक्स का बताइए टेन का बताइए तो आपको वहाँ फिंगर्स पर काउंट करने की देर इज नो नीड ओके देर इज नो नीड टू काउंट ऑन योर फिंगर्स फिंगर्स पर आपको काउंट करने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं है मैं आपको ऐसे ही सीधा आपको लर्न करवा देता हूँ किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जो आपको पूछ ले कि तो फर्स्ट वर्ड तो सबके अंदर आपके यही होगा फर्स्ट टू फोर्थ तो प्रेजेंट ही होगा प्रेजेंट प्रजेंट एंड देन अगेन प्रेजेंट एंड प्रजेंट कोई भी फर्स्ट टू फोर पूछ ले तो फर्स्ट नेम जो क्लिक होना चाहिए डेट इज प्रेजेंट ये फर्स्ट वर्ड आपके क्लिक होना चाहिए फिफ्थ टू एट किसी ने पूछ लिया सो द फर्स्ट वर्ड इज पास्ट व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड पास्ट पी ए एस टी सेवेंथ इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पास्ट एंड एट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पास्ट फिर किसी ने पूछ लिया कि नाइन टू ट्वेल्व बताइए टेंस नंबर इलेवन तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड क्लिक होगा फ्यूचर 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 एंड फ्यूचर सो दीज आर दाइप ऑफ टें टें कुल मिलाकर जो टेंस होते हैं वो बारह होते हैं आपके सामने ये लिखे हुए हैं फर्स्ट वर्ड एक एक वर्ड इसके अंदर मैंने इसमें नोट किया है फर्स्ट टू फोर आपको कोई पूछ ले डेट मींस इट इज द टाइप ऑफ प्रेजेंटेंस प्रेजेंट टेंस की टाइप है फिफ्ट टू एट आपको पूछ ले इट इज द टाइप ऑफ पास टेंस ये पास टेंस की टाइप है और आपको कोई फ्यूचर का पूछ ले सो इट इज नाइन टू ट्वेल्व इज द टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस ओके अब इसके अंदर देखिए कैसे आपको लर्न करना है इसमें इवन नंबर को चेक करते हैं टू इज द इवन नंबर फोर इज ऑल्सो द इवन नंबर सिक्स इज आल्सो द इवन नंबर एंड एट इज आल्सो द इवन नंबर एंड टेन इज आल्सो द इवन नंबर एंड द लास्ट वन इज ट्वेल्व ये इवन नंबर है इसके अंदर दो आ रहे हैं प्रेजेंट के अंदर टू एंड फोर एंड इन पास्ट सिक्स एंड एट एंड इन फ्यूचर टेन एंड ट्वेल्व दीज आर दंबर्स ये इवन नंबर हैं आपके सामने सम संख्या जिसको कहा जाता है तो अब इवन नंबर के जो टेंसेज होते हैं हर प्रेजेंट के अंदर दो हैं पास्ट में भी दो हैं फ्यूचर में भी दो हैं अब एक थिंक माइंड में हमेशा सेट कर लीजिए कि जहाँ टेंस में इवन नंबर होता है यू हैव टू एड कंटिन्यूस वर्ड आपको उसके अंदर कौन सा वर्ड एड करना है कंटीन्यूस का अब देखिए अपन कर रहे हैं इसमें सेकंड के अंदर मैंने ऐड कर दिया कंटिन्यूस ओके सो द नेम ऑफ द सेकंड टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस ये इसके नाम में आपके ऐड कर दिया फोर्थ के अंदर भी ऐड होगा बट यू हैव टू एड वन मोर वर्ड आपको एक वर्ड और एड इसके अंदर करना पड़ेगा एंड द वर्ड इज परफेक्ट सो प्रेजेंट परफेक्ट अब मैंने कहा कंटिन्यूस आएगा इसके अंदर तो परफेक्ट के बाद आपके वर्ड क्या आ जाएगा कंटिन्यूस ये दो आपके टाइप हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इवन नंबर की पर्टिकुलर इन प्रेजेंट टेंस सो यूज द सेम ट्रिक विथ पास्ट यार ये, ये ट्रिक आपको पास्ट के साथ यूज में लेनी है कैसे देखिए सेम ट्रिक सिक्स में मैं एड करूंगा कंटिन्यूस वर्ड एट के अंदर जो एड होगा परफेक्ट एंड देन कंटिन्यूस हो गए फोर टेंसेज दो प्रेजेंट के हो गए दो हो गए आपके पास्ट के वो वो ही ट्रिक आपको फ्यूचर के अंदर यूज में लेनी है सो द नेम ऑफ द टेन टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूस एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट सो दीज आर द कंटिन्यूस टेंसेज ये सारे कंटिन्यूस के टेंस है और कौन से नंबर है ये इवन नंबर है ये ध्यान रखना आप सारे टू फोर सिक्स एट टेन दीज आर द इवन नंबर्स कौन से नंबर हो गए ये इवन नंबर अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैं बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है वो देखिए अब जो आपके लिए ये जो मैंने अभी कहा कि टॉपिक आपके जो सिलेबस के अंदर है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओके उसको कैसे करना है ये जो सिक्स टेंसेज हैं आपके टू फोर सिक्स एट टेन एंड ट्वेल्व इनके अंदर कौन सी वर्ब का यूज होगा वो एक इंपॉर्टेंट थिंग होता है बिकॉज यू हैव टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंसेज टेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको जो है वो एग्जाम के अंदर फिल करनी है मैं की वर्ब आपको एक साथ लर्न करवाऊंगा एक लर्न हो गई डेट मीनस आपको छह की लर्न हो चुकी है अब ये जो सिक्स टेंसेस हैं, ओके टू फोर सिक्स एट टेन एंड देन ट्वेल्व ओके अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है कैसे करना है इसको आप देखिए अब नोटिस में जब कंटिन्यूस नेम आ गया और यू कैन आल्सो से व्हेन यू यूज इवन नंबर आप जब इवन नंबर यूज में लेते हैं तो अब इनके साथ जो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी फर्स्ट थिंग देन एड आई एन जी वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई एन जी सो कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज किया जाता है आई एन जी का अब कंटिन्यूस नेम सब में आ रहा है डेट मीन्स आपको इन सिक्स टेंसेज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज लेना है आई एन जी का व सबके साथ यही फॉर्मेट होगा चेंज नहीं होगा आपके कुछ भी सब के अंदर यही फॉर्मेट है आपके आपने अपने टेंसेस के नेम्स जो है वो लर्न कर लिए आपने अपने टेंसेस की जो वर्ब है वो लर्न कर ली कैसे ईवन नंबर से मैं वही ट्रिक से बता रहा हूँ ईवन नंबर ईवन नंबर जहाँ पर हो गया सपोज एग्ज़ाम के अंदर सेंटेंस आया आपको मालूम चल गया कि आई हैव टू कम्प्लीट देंस मुझे दूसरा टेंस इसके अंदर फिल करना है तो माइंड के अंदर एक साइकलॉजी तो आपके फिट हो गई कि जो ब्रैकेट में जो वर्ब आएगी उस वर्ब के साथ मुझे क्या ऐड करना है आई एन जी ये तो एक साइकलॉजी फिट हो गई यदि फोर है तो उसके अंदर भी वर्ब के साथ क्या ऐड करूँगा आई एन जी सिक्स है तो भी आई एन जी एड करूँगा एट है तो भी आई एन जी एड करूँगा फिर आपके उसके अंदर यदि टेन है तो भी आई एन जी होगा वर्ब के साथ यूज़ और फिर ट्वेल्व है तो भी वर्ब के साथ किसका यूज होगा आई एन जी का सो दीज आर द सिक्स नेम्स ऑफ टेंसेज एंड विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज पर्टिकुलर इन टेंसेज ये टेंसेज के छः टेंसेज के नेम्स हैं और इन छः के अंदर कौन सी वर्ब का जो है वो यूज किया जाता है वो आपके सामने है ओके नेक्स्ट वन अब आगे आते हैं इसमें अब सारे ओड नंबर आपके बचे हैं कंप्लीट जो है वो अब सारे क्या हैं आपके ओड नंबर है अब ओड नंबर को कैसे करना है उसको भी आप देख लीजिए अब ओड नंबर में ले रहा हूं थ्री ओके देन सेवन एंड देन इलेवन थ्री सेवन एंड इलेवन थ्री इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस जो थर्ड है वो प्रेजेंट टेंस की टाइप है सेवेंथ इज द टाइप ऑफ पास टेंस सातवा जो टेंस है वो पास टेंस की टाइप है एंड इलेवन इज द टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस अब केवल इसके अंदर आपको एक वर्ड और जोड़ना है सिंगल वर्ड एक वर्ड और ऐड करते ही इन तीनों टेंसेस के जो नेम्स है वो लर्न हो जाएंगे आपको देखिए कौन सा ऐड कर रहे हैं अपन इसमें मैंने प्रेजेंट के साथ थर्ड टेंस के अंदर ऐड कर दिया परफेक्ट तो सेवन भी जो होगा उसके साथ भी क्या ऐड करना आपको परफेक्ट इलेवन जो होगा उसके साथ भी क्या ऐड होगा परफेक्ट के साथ एक सिंगल वर्ड एड होगा और वो वर्ड कौन सा है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड वन देन पास परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट ये आपके जो है वो टेंसेज के नाइन टेंसेज के जो नेम्स है वो लर्न हो चुके हैं एक थिंक और बता देता हूं यहां पर मैं मैंने अभी वन नंबर कहा था टू फोर

केवल एट गया करना है परफेक्ट सेवन हो गया पास्ट एड करना है परफेक्ट इलेवन हो गया आपके फ्यूचर एड करना आपको इसके साथ परफेक्ट अब मैं आपको इसकी वर्ब लर्न करवाता हूँ तीनों की इन तीनों में भी सेम जो फॉर्म होगी वर्ब की वो यूज आएगी सेम फॉर्म ऑफ वर्ब अब देखिए कौन सी आएगी इसके अंदर यूज उसको देखिए अब आप जो परफेक्ट वाले टेंसेज होंगे वो थ्री है नो डाउट प्रेजेंट परफेक्ट देन पास्ट परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट सो प्रेजेंट परफेक्ट की जो आपके वर्ब आएगी वो वर्ब की होगी थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म इसके अंदर आपके यूज होगी थर्ड फॉर्म आपको जो है वो यूज में लेनी है ओके पास्ट परफेक्ट के अंदर भी आपके वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म ये पास परफेक्ट की हो गई ये प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई फिर फ्यूचर परफेक्ट इसके अंदर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म किसी ने पूछ लिया आपसे कि पास परफेक्ट के अंदर परफेक्ट नाम आ गया ओनली परफेक्ट डेट मीन्स आपको उसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में लेनी है थर्ड आईएनजी आ गया सीधा कंटिन्यूस नाम आ गया आपको उसके अंदर क्या यूज में लेना है आई एन जी छेंसेज के नेम्स और की आपके वब आपके सामने हैं अब देखिए फिर वार्ड नंबर बचे हैं आपके फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस फिफ्थ इज द टाइप ऑफ पास्ट टेंस एंड नाइन्थ इज द टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस फिर एक सिंगल वर्ड इनमें एड करना है हमको और कुछ नहीं ओनली सिंगल वर्ड एंड द वर्ड इज सिंपल फिर एक वर्ड हमने इनके साथ एड कर दिया है और वो वर्ड कौन सा है सिंपल तो अब यह फर्स्ट कौन सा हुआ प्रेजेंट सिंपल फिफ्थ कौन सा हुआ पास सिंपल एंड देन नाइन इज फ्यूचर सिंपल सो दीज आर tenses चलिए अब इन्हीं की वर्ब भी तैयार कर लेते हैं उसी ट्रिक से आपको जो अभी तक मैंने बताया है सेम यूजिंग द सेम ट्रिक सिंपल के अंदर प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की जो फॉर्म होगी वो होगी आपके फर्स्ट पास सिंपल वर्ब की जो फॉर्म होगी फर्स्ट अभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा मैं एंड इन फ्यूचर सिंपल वर्ब की जो फॉर्म आएगी फर्स्ट तीनों के अंदर मैंने फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म लिखी है प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल फर्स्ट फॉर्म एंड फ्यूचर सिंपल फर्स्ट फॉर्म बट इन पास सिंपल टेंस सेकेंड फॉर्म भी यूज की में आती है In past simple tense, second form of the verb is also used. ab kayon ke question aapke definitely ek arise hona chahiye ki how can we use first and second form of the verb in the same sentence? कैसे हम इसको use में ले सकते हैं? कैसे ये how it is possible? ये भी आपके मैं इसको clear कर दूँ। second form जो use में आती है वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म यूज में आती है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर होता है बट इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इन दोनों के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में आएगी फर्स्ट सो यू हैव टू लर्न बोथ द वर्ब्स, पर्टिकुलर इन पास सिंपल टेंस पास सिंपल में आपको पर्टिकुलर यह दोनों वर्ब लर्न करनी पड़ेगी बाकी किसी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है आपके ये सारे आपके इजी है जहाँ कंटिन्यूस नेम आ गया डेट मीन उनमें आपको आईएनजी यूज़ में लेना है अब कंटिन्यूस वाले कौन से होंगे ईवन नंबर वाले सारे आपके सामने लिखे हुए हैं टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व डेट मीन्स इनके नेम्स में कंटिन्यूस होगा और इनके वर्ब के साथ किसका यूज़ होगा आई का यूज़ होगा फिर इन कंटिन्यूज के बीच में जो नंबर आता है वो होता है थ्री सेवन एंड इलेवन तो इनके नेम के साथ क्या ऐड करना आपको परफेक्ट ओके और परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म में आएगी आपके थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म एंड अगेन थर्ड फॉर्म सो इन परफेक्ट टेंसेज एंड ओनली देर आर थ्री परफेक्ट टेंसेज आउट ऑफ ट्वेल्व बारह में से आपके छ तीन के अंदर जो है वो परफेक्ट नेम ऐड होता ओनली परफेक्ट वैसे तो इसके अंदर ज़्यादा हैं लेकिन केवल परफेक्ट जो एड हो रहा है वो थ्री टें से ही है और तीनों के अंदर एक एक होगा एक प्रेजेंट के अंदर है तो नेम्स तो ऐसे ही क्लियर हो रहे हैं एक पास्ट के अंदर हैं और एक फ्यूचर के अंदर है तीनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म यूज़ में होगी तो इसको इजीली अपन लर्न कर सकते हैं फिर जो आपके रिमेनिंग टेंसेज होते हैं वो होते हैं फर्स्ट देन फिफ्थ एंड देन नाइन। एड क्या करना है इसके अंदर सिंपल सिंपल एंड सिंपल ये नेम इसके अंदर आपके एड हो गए इसको इंडिफिनाइट भी कहा जाता है यू कैन ऑल्सो से प्रजेंट इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट तो आप वो भी कह सकते हैं अब इसकी वर्ब कैसे लर्न हुई है आपके इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई फर्स्ट इन पास सिंपल फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म एंड इन फ्यूचर सिंपल फर्स्ट फॉर्म सो पास सिंपल इज द ओनली टेंस वेयर वी यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एकमात्र टेंस है जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में आएगी और वो भी कौन से सेंटेंसेस के अंदर पर्टिकुलर इन अफरमेटिव सेंटेंटिव सेंटें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी अदरवाइज इन एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज ओके गोड इट सो दीज आर देश विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज विद देंसेज वर्ब की कौन सी फॉर्म जो यूज में आपके होती है ये जो मैंने वर्ब की फॉर्म बताई है ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग है क्यों इंपॉर्टेंट थिंग है मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर यू कैसे आपके लिए जो है ये यूज़फुल है अब देखिए इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर सेंटेंस कैसे आते हैं और आपको कैसे उसके अंदर आपको ये फिल करना है सो so, देखिए अब Today, we and then blanks. Okay, the verb is uh, live then for Mumbai. Today, we. मुंबई ये सेंटेंस आपके सामने इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर सेंटेंस आते हैं सेंटेंस के अंदर सबसे पहले चेक कीजिएगा एडव दिस इज द फर्स्ट लेशन पहला आपको इसके अंदर यही करना है कि एडवब को चेक करना है एडव इसके अंदर क्या हुआ टुडे ये इसमें एडव है जिसको अपन इंडिकेटर भी कहते हैं यानी टेंस को एक इंडिकेट करता है वर्ड कि इसके अंदर कौन सा टेंस आएगा टुडे जहाँ पर आता है डेट मीन्स आपको वहाँ वर्ब सॉरी वहाँ पर आपके कौन सा टेंस होगा सेकेंड टेंस वहाँ पर आपके सेकेंड टेंस का जो है वो यूज़ होगा अब देखिए एक थिंग तो आपको लर्न हो गई कि टेंस नंबर सेकेंड आ गया तो ये जो वर्ब दे रखी है ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है इस वर्ब के साथ मुझे क्या ऐड करना है आई एन जी यह आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आंसर के अंदर दो ही थिंग लिखी जाती है एक तो लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब और एक लिखी जाती है मैन वर्ब अब मैन वर्ब अभी मैंने आपको लर्न करवा दी कि जहाँ टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व होता है वहाँ इस वर्ब के अंदर विच इज़ गिवन इन द ब्रैकेट यू हैव टू एड आई एन जी उसके अंदर आपको किसका यूज़ करना है आई एन जी का यूज़ करना है सो एट आई एन जी विथ द वर्ब तो अब लीव में मैं जब आपके आई एन जी यूज में लूंगा तो ई को रिमूव करके फिर आई एन जी का यूज लेना है द वर्ब डेट एंडस विथ ई ओके द वर्ब डेट एंड्स विथ ई जो ई e के साथ एंड होती है उसमें से ई e को रिमूव करके फिर आई एन जी का यूज करना है एक देख लीजिए और सी ओ एम ई आप जब इसके साथ आई एन जी यूज में लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव ई देन एड आई एन जी सो दर्ड इज कमिंग लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि जहां दो वोवेल साथ में आ जाते हैं यहां दो वोवेल साथ में दे रखे हैं ई e -E. तो जब दो वोवेल साथ में आते हैं तब उसके अंदर रिमूव नहीं करना है वहां पर डायरेक्ट आपके किसका यूज होगा आई का यूज़ होगा आपको रूल्स से भी आपको अवेयर करवाएंगे बट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड टेंस और आपको कैसे वर्ब को यूज में लेना आपको यह इंडिकेटर मिला कि यह टेंस नंबर आपके क्या है सेकेंड सेकेंड नाम आते ही आपको वर्ब के साथ क्या ऐड करना है आई एन जी वो हमने ऐड कर दिया एक आंसर आपको मिल गया अब सेकेंड टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम और आर तो V के साथ जो यूज होगा वो क्या होगा R सो दिस इज द आंसर ये आपके जो है एक आंसर हो गया बस ये सिंपल सा है क्योंकि ब्लैंक्स के अंदर ओनली दिस टू वर्ड्स आर रिटर्न ओनली दिस टू वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज में होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और मेन वर्ब जो यूज में होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू द टेंसीज टेंसेज के अकॉर्डिंग आपकी यूज़ होगी तो अब ये इजीली आप इन जो मैंने अभी टेबल आपको लर्न करवाई है नेम्स ऑफ टेंसेज एंड मेन वर्ब ऑफ टेंसीज कि मेन वर्ब कौन सी जो है वो यूज़ में होती है अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर वैसे जब टेंसेस की अपन नेम्स भी लर्न करते हैं मैंने मेन वर्ब आपको लर्न करवा दी टेंसेस के आपको बता दिए वन थिंग मोर होती है व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ टेंसेस उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे जो है टेंसेस की जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो लर्न की जाती है वो भी देख लीजिए फिर अपन इसको जो है वो नेक्स्ट करेंगे सो so,

ओके इन फर्स्ट टेंस फर्स्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वब होती है वो होती है डू एंड डज डू और डज ये फर्स्ट टेंस की हेल्पिंग वब है सेकेंड के अंदर जो होता है वो होता है आपके इज एम एंड आर थर्ड के अंदर जो हेल्पिंग वब होती है वो होती है आपके हैज एंड हैव एंड इन फोर्थ वन हैज़ बीन एंड हैव बीन ये हेल्पिंग वब प्रेजेंट टेंस की है आपको एक चीज़ इसके अंदर और बता दूँ कि ये सारी मेन वब भी होती है हेल्पिंग वब के अलावा ये सारी मेन वब भी होती है अब ये कैसे बनी हेल्पिंग वब आगे कैसे बनेगी उसकी देखिए अब मैं इन्हीं प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर रहा हूँ पास्ट के अंदर बस ये मेन वर्ब मान के इनका पास्ट कर दीजिए आप रूप कैसे करेंगे वॉट इज द पास्ट ऑफ डू और यू कैन से द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वो पास्ट होता है और डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है डिड सो डिड इज हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट सिंपल टेंस ंग वब भी होती है और मेन वब भी होती है सो द पास्ट ऑफ इज एंड एम इज वो आर का जो पास्ट होगा वो होगा आपके वर सो दिस वन इज द हेल्पिंग वब ऑफ प्रास्ट कंटिन्यूस टेंस फिर देखिए और हेव का जो पास्ट होता है और सेकंड फॉर्म कह सकते हैं आप वो होती है आपके हेड तो फिर आपके बीन और हेव बिन का क्या हो जाएगा हेड बिन ओके इन्हीं को मैंने चेंज किया है डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड ये पास्ट हो गया इज और एम की सेकंड फॉर्म क्या होती है वाज आर की सेकेंड फॉर्म क्या होती है वर और हैज़ और हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है Hate. तो हैज़ और हैव बिन की क्या होगी हेड बिन अब नाइन टू ट्वेल्व देखिए आपके नाइन टू टल्व के अंदर नाइन टू ट्वेल्व हैं आपके टाइप फ्यूचर टेंस की मैं सबके अंदर आपके विल और सेल लिख रहा हूँ सबके अंदर लिख रहा हूँ ओके okay? एलेवन के अंदर भी आपके क्या होगा इसमें विल एंड सेल तो एक तो माइंड आपके ये सेट कर दीजिएगा कि फ्यूचर के अंदर विल सेल तो यूज़ में आएगा आएगा अब देखिए कैसे इसमें बनानी है टेंस नंबर नाइन के अंदर जो आपके होगा विल सेल टेन के अंदर विल और सेल के साथ क्या ऐड कर दीजिएगा बी एक एक वर्ड इनके अंदर ऐड हो रहे हैं देखना इलेवन के अंदर हैव दोनों में सेम वर्ड यूज़ में होगा चेंज नहीं होगा ध्यान रखना कई स्टूडेंट्स इसके अंदर कि हैव आ रहा है तो एक तरफ मैं हैज यूज़ में ले लूँ वो नहीं होगा इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना और ट्वेल्व के अंदर आपको एड करना है हैव और बिन इसके अंदर भी हैव एंड बेन ये टेंसेस की आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो गई तो थ्री कॉलम्स जो है वो मैंने क्लियर करवा दिए थ्री कॉलम्स फर्स्ट था नेम्स ऑफ टेंसेस ओके सेकंड जो था आपके वो था आपके मेन वर्ब ऑफ टेंसेस एंड द थर्ड वन इज़ हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ टेंसेस आपको इनको अच्छी तरीके से जो है वो लर्न करना है बहुत अच्छी तरीके से ताकि ये इजीली आपके जो माइंड में दी ट्रिक व रिमेन फॉर एवर आपके हमेशा के लिए ये जो है वो ट्रिक माइंड में रहें यह भी ध्यान रखना यह हेल्पिंग वॉब्स कैसे बनी है डू का क्या हुआ डेट इज और एम का क्या हुआ वर्ज और आर का क्या हुआ वर हैज़ और हैव का हेड एंड देन हैज बिन हैव बिन का हेड बिन एंड इन फ्यूचर टेंस सब के अंदर विल सेल का यूज होता है तो स्टार्ट विल सेल से ही करना है थोड़े से बिल्कुल आपके बढ़ते जा रहे हैं वर्ड देखिए फिर मैंने ऐड किया बी फिर मैंने वर्ड ऐड किया हैव फिर मैंने ऐड किया हैव बीन दोनों के अंदर सेम यूज में आएगा यह आपके सामने जो है वो टेंस की जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स है सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक चैप्टर फॉर यू ये आपके लिए जो है वो पहला बेसिक चैप्टर है ध्यान रखना और इसके बिना टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हो सकता है आपको सेंटेंस नहीं बनाने हैं कि मैंने हिंदी में बोला आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया क्योंकि ये आपके पैटर्न ही नहीं है आपके सिलेबस के अंदर ही नहीं है आपके सिलेबस के अंदर है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और वो मैंने आपको टेंस के अकॉर्डिंग आपको सब बता दिया है कंटिन्यूस आई एन जी परफेक्ट थर्ड फॉर्म और सिंपल फर्स्ट फॉर्म बट इन फिफ्थ टेंस सेकेंड फॉर्म भी जो है वो यूज में आती है ओके स्टूडेंट्स दिस इज द बेसिक थिंग फॉर यू एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग मोर अबाउट यू मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा ओके स्टूडेंट सो लर्न ऑल दिस थिंग्स